हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम हिंदी शॉर्टहैंड के लिए 80 वर्ड पर मिनट से डिक्टेशन बोलने वाले हैं। जिन बच्चों का भी एसएससी में एग्ज़ाम हुआ था या फिर फर्दर किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको हिंदी शॉर्टहैंड तैयार करनी है विद 80 वर्ड पर मिनट, तो ये इस डिक्टेशन को ज़रूर कंटिन्यू रखें। मतलब इस वीडियो प्लेलिस्ट में आपको 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से डिक्टेशन मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा डिक्टेशन है, ये हमारा जनसत्ता के एडिटोरियल पेज से है, ठीक है, जो संपादकीय पेज होता है। तो 500 वर्ड रहेंगे, 80 वर्ड पर मिनट स्पीड रहेगी। स्टार्ट करता हूँ मैं, यहाँ पे मैंने टाइम लिमिट लगा रखा है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। राजस्थान में एक बार फिर गुज्जर समुदाय 5% आरक्षण की मांग लेकर सड़कों पर उतर आया है, रेल की पटरियों पर तंबू गाड़ दिया है। जिस रेल पटरी पर उन्होंने बसेरा डाल रखा है वह देश की व्यस्तम रेल लाइन है। इस तरह बहुत सी गाड़ियों का रास्ता बदलना पड़ा है और कई गाड़ियां रोक दी गई हैं। पिछले 13 सालों में यह छठा आंदोलन है जब राज्य सरकार को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब तक भाजपा सरकार को 4 बार और कांग्रेस को 2 बार गुज्जर आरक्षण आंदोलन का सामना करना पड़ा है। हालांकि राजस्थान सरकार ने आंदोलनकारियों से बातचीत की कोशिश की पर कामयाबी नहीं मिल पाई। पुलिस ने रेल लाइन खुलवाने का प्रयास किया जिसके चलते आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़पें भी हुई। इसके पहले भी करीब 12 साल पहले जब यह आंदोलन हिंसक हुआ था तब करीब 30 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान हुआ था। इसलिए सरकार की कोशिश है कि आंदोलन हिंसक रूप में ना लेने पाए, पर गुज्जर नेता इस बात पर अड़े हैं कि इस बार वे आरक्षण लेकर ही धरने से उठेंगे। पर मुश्किल यह है कि राज्य सरकार के लिए आरक्षण की मांग पूरी कर पाना संभव नहीं है। पहली बार गुज्जर आंदोलन शुरू हुआ था तब तत्कालीन भाजपा सरकार ने 5% आरक्षण की मांग मान ली थी, पर वह मामला अदालत में जाकर निरस्त हो गया था क्योंकि कानूनी रूप से आरक्षण की सीमा को 50% से ऊपर नहीं रखा जा सकता। फिर जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी तब भी आंदोलन उठा और उसने मांग मान ली, पर अदालत ने फिर उस पर रोक लगा दी। हालांकि उस समय गुज्जर समुदाय को 1% का आरक्षण मिल गया। अब जब केंद्र सरकार ने सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया है तब गुज्जर समुदाय ने अपनी मांग फिर से उठा दी है कि उन्हें बाकी का 4% आरक्षण भी मिले। अब राज्य सरकार इस मसले को केंद्र के पाले में डाल रही है कि
चूंकि यह मामला संविधान संशोधन का है, इसलिए वही इस मांग को पूरा करने की दिशा में कुछ कर सकती है, मगर केंद्र के लिए भी ऐसा करना संभव नहीं है। लिहाजा इस आंदोलन का नतीजा कुछ निकलने वाला नहीं है। दरअसल राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए विभिन्न राज्यों में कृषक समुदाय के लोगों को आरक्षण देने का लालच देते रहे हैं। स्टॉप, ये 5 मिनट की लगभग है और स्पीड 80 के आसपास ही थी, तो आप इसका अगर आप ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो हमारे टेलीग्राम पे करके भेजिए, हम आपकी गलतियां जरूर फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनकी गलतियां फाइंड आउट करते हैं, और इसी तरीके से हम एडिटोरियल पे उसको रोज़ाना यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। तो जैसा भी लगे आपको अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर दें। थैंक यू।